हाय, आई एम राहुल। योर वेलकम ऑन माई चैनल UPSC@NCERT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 1 टू 6 डिस्कस कर लिया है, जो कि मेरे इसी चैनल पे अपलोड है। आप कभी भी उसको देख सकते हो। ओके और आज मैं टेस्ट 8 डिस्कस करूंगा, जो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पे है, और बीच में 7 है, तो वो टेस्ट 8 के बाद डिस्कस होगी होगा जो कि इकोनॉमी पे है। ओके, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, टेस्ट 8 जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेम्परेचर एंड वाटर आर द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नो, ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है। ओके, स्टेनोथर्मल जो है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर्स होता है, तो ये याद रखना है। दूसरा ऑप्शन है, यूरिहेलाइन ऑर्गेनिज्म आर रिस्ट्रिक्टेड टू ये नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी। नो, ये वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी है। ओके, तो ये दोनों याद रखना है। तो इसका पूछा है कि कौन सही नहीं है, तो इसमें एक और दो दोनों नहीं सही है, तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड है, विद रेफरेंस टू द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन परमिट टू हंट द वाइल्ड एनिमल दैट हैज बिकेम द डेंजरस फॉर द ह्यूमन लाइफ। यस, दिस इज राइट। सेकेंड, द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इन सेल्फ डिफेंस इज नॉट कंसिडर एज ऑफेंस। यस, जब वो हमारे ऊपर अटैक करेगा ह्यूमन बींग के ऊपर, तो वो उसको हम किल कर सकते हैं। ओके, सेल्फ डिफेंस के लिए, और तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, एनी विल्ड लाइफ एनिमल किल्ड और वाउंडेड इन डिफेंस ऑफ ए पर्सन इज कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। यस, वो जो एनिमल को किल किया कोई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, तो वो प्रॉपर्टी ऑफ वो एनिमल जो है वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो इसका डी, तीनों सही है। ये बेसिकली प्रोटेक्शन जो वाइल्ड लाइफ का है, वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत है, एनिमल एंड प्लांट बोथ को, ठीक है। और जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, उसके चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एलेंस रूल स्टेटेड दैट, एलेंस रूल पूछ रहा है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही है। ममल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स हैव शॉर्टर एयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। ओके, यही एलेंस का रूल है। बेसिकली एलेंस जो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। तो इसका ये सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं फोर नंबर क्वेश्चन पे। फोर नंबर है, विद रेफरेंस टू फोटो सिंथेटिकली एक्टिव, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन PAR, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन मोर देन द 70% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। नो, ये 50% होता है। ओके, तो पहला गलत हुआ। दूसरा, प्लांट्स ऑन अर्थ कैप्चर ओनली 2 टू 10% ऑफ द टोटल फोटो
सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ओके, तो ये सही है, सेकंड नंबर 2 to 10% होता है। ये स्मॉल एमंग लिविंग वर्ड के लिए है, पार जो है स्मॉल एमंग लिविंग वर्ड, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ देखते हैं, विद रेफरेंस टू डिफरेंट जोन्स ऑफ एन एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द लैमिनेटिक जोन इज वेल लिट एंड इज डोमिनेटेड बाय द प्लांकटन। यस, ओके। और दूसरा देखते हैं, प्रोफाउंडल जोन इज द डीप वाटर पार्ट ऑफ द लेक आर पॉन्ड। यस, तो ये भी सही है। तो बेसिकली जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको तीन पार्ट में बांटते हैं। जो अपर लेयर पार्ट होता है मोस्ट टॉप का होता है किसी भी पॉन्ड या लेक का, उसे कहते हैं लिटोरल जोन। और जो लिटोरल जोन कवर करता है जिसको, उसे कहते हैं लैमिनेटिक जोन। ओके, जिसमें फोटो प्लांकटन एंड जू प्लांकटन होते हैं। तो ये याद रखना है, पहला ऑप्शन यही है। और जो तीसरा है वो प्रोफाउंडल, ये बेसिकली डीप वाटर होता है जो मच कोल्डर एंड द डेंस अदर देन, जो सभी से डेंस होता है और काफ़ी कोल्ड होता है। ओके, तो ये रहा इसमें पॉइंट, तो सी ऑप्शन इसका सही है फिफ्थ का। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ नंबर। सिक्स्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स अकाउंट फॉर लेसर बायोडाइवर्सिटी इन द टेम्परेट रीजन्स एंड कंपेयर टू द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली ये तुलना कर रहा है टेम्परेट रीजन का और ट्रॉपिकल रीजन का। ओके, तो अब देखते हैं पहला ऑप्शन, ट्रॉपिकल रीजन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट व्हाइल द टेम्परेट लेटिट्यूड हैव रिमेंड अनडिस्टर्ब्ड। नहीं भाई, ये जस्ट उल्टा है, क्योंकि ये होना ये चाहिए कि टेम्परेट रीजन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट व्हाइल द ट्रॉपिकल लेटिट्यूड हैव द रिमेंड अनडिस्टर्ब। ओके, जो ट्रॉपिकल है वो अनडिस्टर्ब है क्योंकि वो मोर कॉन्स्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है। ओके, जैसे कि आज विद इन जून एंड सितंबर साउथ वेस्ट मानसून आएगा ही आएगा, लेकिन टेम्परेट रीजन में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि वहाँ वेस्टर्ली एंड ईस्टर्ली का इफेक्ट होता है, कोल्ड रीजन होता है, ठीक है। तो पोलर विंड रहेगा इफेक्ट, यानी कि ईस्टर्ली। फिर सेकंड देखते हैं, टेम्परेट इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल एंड स्टेबल दस प्रमोटिंग द नीचे स्पेशलाइज। नहीं, ये ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर द लेस सीजनल एंड स्टेबल होता है। ओके, दस द प्रमोटिंग नीचे स्पेशलाइजेशन, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा है, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। यस, ओके, फोटोसिंथेसिस होगा, तो इसका सी सही है। आप देख लीजिए सी। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर है, विद रेफरेंस टू द पैरासिटिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, पैरासाइट्स दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द इंडो पैरासिटिज। नहीं, इक्टो पैरासाइट्स कहलाएगा। ओके, जो एक्सटर्नल सरफेस पे होगा और होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इक्टो पैरासिटिज्म, तो ये याद रखना। दूसरा है, इक्टो पैरासाइट्स लिव्ड इनसाइड द होस्ट बॉडी एट द डिफरेंट साइट्स। नहीं, ये आउटसाइड होगा। ओके, एक्सटर्नल सरफेस पे होगा, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं, इन ब्रॉड पैरासिटिज्म ये पैरासाइट डज नॉट फीड ऑन द ऑर्गेनिज्म। यस, तो ये सही है तीन, तो इसका आंसर होगा ये ओनली थ्री। नेक्स्ट मूव करते हैं एट नंबर क्वेश्चन पे। रिसेंटली सीन इन न्यूज द ऑपरेशन नार्कोस
इज एन, तो नार्कोस बेसिकली ये है रेलवे का इनिशिएटिव, मंथ लॉन्ग पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ द नार्कोटिक्स थ्रू रेल। ओके, ये बेसिकली रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीए के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें सर्च सीज एंड अरेस्ट करने का अधिकार है। ओके, तो इसका सही होगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन में बेसिकली फ्रेगमेंटेशन है, यस, इसमें जो है डिटेटोरस होते हैं। ओके, डिटेटिवर्स जो अर्थवर्म्स होते हैं, और ये कैटाबॉलिज्म होते हैं, ह्यूमिफिकेशन होता है, मिनरलाइजेशन होता है, सभी होते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, लीचिंग भी होता है। एंड नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर, एक बेसिकली एक पैरा दे रखा है और पूछा है कौन ट्राइब है, तो हम पढ़ते हैं, केयरफुली सुनना। दिस ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की ट्राइबल कम्युनिटी है, कंसिडर द फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट इन द वर्ल्ड। ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित हैं। दे रिमूव लिविंग इंसेक्ट फ्रॉम द फायरवुड बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले उसमें कीड़े जो होते हैं उसको निकाल देते हैं। फिर दे नेवर कट ट्रीज, ये कभी पेड़ को नहीं काटते। एंड वेट फॉर ट्रीज, ये पेड़ों का इंतजार करते हैं टू डाई, मरने के लिए, ऑन देयर ऑन ऑन फॉल डाउन ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ओके, बिल्ड लाइफ, सॉरी, बिल्ड लाइफ लाइक चिंकारा एंड ब्लैक बक, यहाँ पे आए जाते हैं, मूव द फ्रीली इन देयर सेटलमेंट। इन सेटलमेंट में ब्लैक बक एंड चिंकारा घूमते रहते हैं। तो इसमें बहुत ईजी है, बिश्नोई हैं राजस्थान के। ओके, और यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड है। और देखते हैं जो भील हैं, वो बेसिकली उनका उनके बारे में जानते हैं कि ये वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, और मतलब होते हैं, रहते हैं, और ये ओल्डेस्ट ट्राइब हैं आप इंडिया के, और इनका जो लैंग्वेज है वो द्रविड़ियन ओरिजिन है। तो ये सब याद रहना। गोंड जो है, बी ऑप्शन, गोंड जो है लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया है, ये हम तो जानते ही हैं। और जो बैगा है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में पाए जाते हैं, बेसिकली मेडिसिन मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फर्स्ट नेशनल बिल्ड लाइफ एक्शन प्लान वॉज अडॉप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नहीं भाई 1982 में, नेशनल फॉरेस्ट फर्स्ट। ओके, और दूसरा है द नेशनल बोर्ड फॉर बिल्ड लाइफ इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट, नहीं, प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। और जो ये NBW है वो बिल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 के तहत है। तो इसका डी हुआ, नाइदर वन नार टू। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेयर्स सेक्रेट ग्रोव्स के बारे में, और स्टेट पूछा है कौन था। सेक्रेट ग्रोव्स यानी कि जो संरक्षित वन से रिलेटेड है। एंड तो पहला है थान, ये असम में, ये सही है। जो काउज है ये केरला का है, तमिलनाडु का नहीं है। ओके, तो दूसरा गलत। तीसरा है देवारा कदू, तो ये कर्नाटका का है। तो 1-3 सही हो गया। और कुछ जानते हैं कि सेक्रेट ग्रोव्स कौन है और कहाँ पाए जाते हैं। तो सरना बेसिकली बिहार में है, ठीक है, देववन हिमाचल प्रदेश में है, देव मध्य प्रदेश में है, लो क्यांग तांग जो है, लोकिया तांग एंड द अशांग कौशी, ये मेघालय में है। ओके, और ओरान जो है राजस्थान में, ओरान। तो ये रही जानकारी कुछ एक्स्ट्रा। और नेक्स्ट मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्स सी टू मेथड ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वेरी इजी क्वेश्चन, ये पूछा है एक्स सी टू। पहले तो हम जान लेते हैं एक्स सी टू इन सी टू क्या है। एक्स सी टू वो होते हैं जो हम उनकी नेचुरल हैबिटाट से उनको बाहर ले जाते हैं, जैसे कि बोटानिकल गार्डन,
जू बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, कोई एग्रीकल्चर रिसर्च बनाते हैं, फॉरेस्ट रिजर्व बनाते हैं रिसर्च के लिए, ठीक है। तो ये सब एक्स सी टू यानी कि उनके, और इन सी टू उनका जो मूल ओरिजिन है वहीं पे उनको रखते हैं, ठीक है, कोई भी प्लांट और एनिमल दोनों के लिए। ये जैसे कि बायो रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, तो ये सब। तो इसमें पूछा है कौन एक सी टू है, तो बेसिकली बोटानिकल गार्डन है और जू है, तो 1-3 सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। कॉन्फॉर्मर्स आर दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बॉडी हीट एज दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एज पर द वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द कन्फॉर्मर्स, तो ये बेसिकली श्रीव्स हैं एंड द हमिंग बर्ड्स हैं, ठीक है। जो कन्फॉर्मर्स होते हैं बेसिकली रेगुलेट दिया टेम्परेचर, खुद का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, ठीक है, यही इसका मतलब है। तो इसका ये होगा 1 और 2, ये पिकॉक नहीं होगा, ये मैनेज नहीं कर पाता। नेक्स्ट मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के लिए। 15 है विद रेफरेंस टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स यूज इन डे टू डे लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है एलम यानी कि एलुमिनियम सल्फेट इज ये नॉन टॉक्सिक लिक्विड दैट इज कॉमनली यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टू क्लेरिफाई ड्रिंकिंग वाटर, यस। दूसरा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ये मोर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल्स फॉर द ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ देन क्लोरीन गैस, यस। तो ये भी सही है 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर को। 16 नंबर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन एमंग द वेरियस स्पीसीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, ऐसा कौन सा है स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के द्वारा कौन सा स्पीसीज है जो ओनली वन ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिटेड होता है, ओके। तो इसमें है प्रेडेशंस जो होते हैं वो पैरासिटिज्म एंड द कमेंसेलिज्म, ये तीनों जो है ये केवल ओनली वन ऑर्गन बेनिफिटेड होते हैं, और जो कंपटीशन होता है यानी कि पहला ऑप्शन वो बेसिकली एडवर्सली अफेक्ट करता है दोनों बोथ को, ठीक है। और जो एमेंसेलिज्म होता है वो वन को डिस्ट्रॉयड करेगा दूसरे को अनएफेक्टेड करेगा, यानी कि किसी को बेनिफिट नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन ये सही है 2, 3 और 4 ओनली। नेक्स्ट मूव करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। ये पैसेज है पास और उस पूछा है कि कौन है पर्सनालिटी, तो पढ़ते हैं। रिसेंटली द स्टैच्यू ऑफ पीस, अब केयरफुली सुनो, स्टैच्यू ऑफ पीस, दूसरा है डेडिकेटेड टू हिम, इन्हों डेडिकेट किया गया, हैज़ बीन अनवील्ड इन कश्मीर में किया गया, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्लैग बैरियर्स, ये फ्लैग लिए रहते थे ऑन द वैष्णव सेक्ट, ये वैष्णव सेक्ट से, एंड द प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द विशिष्ट द्वैतवाद दैट ग्रेट सेंट इज नोन एज स्क्रिप्ट फॉर स्क्रिप्चर्स लाइक द गीत भाष्य इज वन ऑफ द प्रोपगेटेड एंड द egalitarian society, he is the believed to be the first Hindu acharya to initiate women into a sannyas. तो ये basically बहुत ही simple है, स्वामी रामानुजाचार्य जी हैं, ये basically ये 11th century के saint हैं, और ये बोधयान वृत्ति इनसे related है, and ये equality and social justice पर काम किए, ओके। तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर है सम पोल्यूटेंट्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू क्वांटिटीज, सॉरी
क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर. इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स. तो बेसिकली डीडीटी हैं, ओके, ये भी होगा क्वालिटेटिव में, और हर्बी साइड्स होंगे, दोनों होंगे. और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बेसिकली ये इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किया जाता है, तो बहुत ही ईजी है. डीडीटी और हर्बी साइड्स के अलावा एक केमिकल फर्टिलिटीज भी होते हैं, ओके. तो इसका 1 और 3 सही होगा, बी ऑप्शन. नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को. विद रेफरेंस टू रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला है, रेडियो एक्टिव डस्ट कैन रिमेन एन एल्टीट्यूड्स एज हाई एज 3000 meters. यस. दूसरा है, एक्सरे मशीन एट एयरपोर्ट्स आर ये सोर्स ऑफ द रेडियो एक्टिव पोल्यूशन. यस. तो ये दोनों सही है, सी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन. 20 है, विद रेफरेंस टू द बायोमास प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो पहला है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. यस. दूसरा है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस आर इज इक्वल टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP. यस, ओके. और थर्ड है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियंस टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द बायोस्फीयर इज मोर देन द 50%. नहीं, 70% है मोर देन. ओके, देन 1 और 2 ओनली राइट, यानी कि ऑप्शन ये. नेक्स्ट मूव करते हैं 21 नंबर. प्यूपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ऑफन सीन इन न्यूज. तो ये है बेसिकली एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे पेटा कहते हैं. ये US की है, 1980 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था. तो ये जान लो कि ये नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन NGO है. फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 22 पर. ओके, ये बेसिकली पूछ रहा है प्लांट के बारे में, एक्वेटिक प्लांट और पैरा दे रखा है. तो दीज प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस into India for their the lovely flowers have caused havoc by their the excessive growth by the causing the block our waterways. They are also called the terror of Bengal. They grow abundantly in the eutrophic water bodies and led to an the imbalance in the ecosystem dynamics of the water body. Yes. तो ये हैं water हाइकिंच, तो ये याद रखना है, वाटर हाइकिंच जो है बंगाल में, टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है इसे, ठीक है. और नेक्स्ट मूव करते हैं 23. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द डिजर्ट इकोसिस्टम. तो डिजर्ट इकोसिस्टम को समझते हैं. डिजर्ट द सॉयल इज द डिजर्ट इज कोर्स. यस, वहाँ के सॉयल कोर्स होते हैं. दूसरा, एनिमल्स डाइवर्सिटी इन द डेजर्ट इज वेरी हाई, वेरी लो होते हैं भाई. दूसरा गलत. प्लांट्स हैव वैक्सी सरफेसेस टू रिड्यूस वाटर लॉस. यस, वाटर लॉस को रोकता है. तो 1 और 3 सही है. बेसिकली जो डेजर्ट हैं इकोसिस्टम, डेजर्ट पूरे पृथ्वी पर 1/5 पाए जाते हैं, ठीक है. और जहाँ पे लेस देन 50 centimeters रेनफॉल होता है, एग्जाम्पल द सारा, थार, गोबी, अटकामा एंड नॉर्थ अमेरिकन और अदर बहुत सारे छोटे भी डिजर्ट हैं. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर. 24 है, इंडिया हैज स्टार्टेड सेवरल एम्बिशियस प्रोजेक्ट ओवर द ईयर्स ऑफ कंजर्व वाइल्ड लाइफ. इन दिस कॉन्टेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द एयरलिस्ट. तो प्रोजेक्ट टाइगर, जैसे हम की जानते हैं, 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है. इसको रेगुलेट करती है नटका. नटका को चेयर करते हैं मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट. तो याद रखना है, ठीक है. नटका जो है वो स्टेटरी बॉडी है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 के तहत. ओके,
जो प्रोजेक्ट है सॉरी टाइगर जो है वो इंडेंजर है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार, और दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर सॉरी प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट किया गया था, माइक एंड बहुत सारे इसके लिए भी शुरू किए गए हैं। ओके एंड थर्ड देखते हैं प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल्स, ये सी 1975 में शुरू किया गया। तो पहला कौन शुरू हुआ? टाइगर, दूसरा क्रोकोडाइल, तीसरा एलिफेंट। तो 1, 3, 2 यानी कि वी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं आज का लास्ट। प्लांट बायोडायवर्सिटी इनेबल्स अस टू एक्सट्रैक्ट ये वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स फॉर द कमर्शियल यूज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स? तो ये बेसिकली निकोटीन यस, कैफीन यस, क्विनीन यस, स्ट्राइचीन यस, चाइनीन यस। तो ये 1, 2, 3 एंड 4 बहुत सही है, ऑल सही है। ओके तो ये आज का 24 खत्म होता है, कल मिलेंगे 26 to 50 नंबर क्वेश्चन। ओके बाय।